हाय गाइस, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक कार चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू वर्क ईसीयू। जैसे कि आप जानते हैं, गाड़ी के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ईसीयू सेंसर और सोलेनोइड लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से इंजन के अंदर जाने वाले डीजल को कंट्रोल करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सेंसर और ईसीयू की मदद से, सेंसर, ईसीयू, सोलेनोइड की, इन तीनों की मदद से हम कंट्रोल करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए अभी तक आपको मालूम है कोई भी मेडिसिन वगैरह तैयार नहीं हुई है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने घर में सेफ रहिए और अपने घर में अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से धो लें और कपड़ों को आप उतार के कहीं भी आप डस्टबिन कपड़ों को उतार के कहीं मशीन वगैरह में आप रख सकते हैं, ताकि आपका घर वाले भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है और गुजारिश भी है कि आप अपने घर में सेफ रहें और सेफ स्टे करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये वीडियो है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियोज है जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। हम शुरू में बताना चाहेंगे इस वीडियो के मदद से हम आपको बताना चाहेंगे कि ईसीयू, सेंसर, सोलेनोइड आखिर है क्या चीज़, ये काम कैसे करते हैं। देन फिर हमारा जो भी वीडियोस आएगा, अभी जो भी हमारा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके आपको देखने को मिलेगा, जितने सेंसर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर यूज होते हैं उन सेंसर्स का क्या क्या काम है, उन सेंसर्स का रजिस्टेंस क्या होता है, उनका वैल्यूज क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं तो एरर कोड क्या क्या क्रिएट होते हैं गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी का बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होता है। आप बिना स्कैन टूल्स, अब बिना ईसीयू के, बिना स्कैन टूल्स और जेंट्री के आप गाड़ी को इजीली चेक कर सकते हो, गाड़ी को स्टार्ट करके भी आप ऑन रोड भी कर सकते हैं। तो गाइज, हमारा वीडियो, आज का जो वीडियो है वो ईसीयू, सेंसर और सोलेनोइड, इनका क्या आपस में रिलेशन है मैं आपको बताना चाहूंगा। ईसीयू एक ब्रेन है, दिमाग, जो दिमाग बोलते हैं ना, ईसीयू दिमाग है, सेंसर आई हो गया आंखें और सोलेनोइड हाथ हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा आपको, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये सेंसर है, सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ईसीयू को सिग्नल देता है। ईसीयू क्या काम करता है, ईसीयू एक दिमाग है, ये प्रोग्रामिंग, हमने इसमें प्रोग्रामिंग किया है कि कब सोलेनोइड को, कब एक्चुएटर को काम कराना है, कब एक्चुएटर को काम नहीं कराना है, वो हमने सोलेनोइड में प्रोग्रामिंग किया है। तो ये सोलेनोइड है, जब ईसीयू सिग्नल देता है सोलेनोइड को, तो सोलेनोइड ऑन और ऑफ होता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे हाथ, यानी कि एक्चुएटर भी, हम इसको एक्चुएटर भी बोलेंगे। तो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि कोई भी हम एक पेन होता है, जैसे कि यहां पे हम एक छोटा सा एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम समझ लेते हैं इजीली। जैसे कि देखा होगा कि मैं एक पेन आपके तरफ थ्रो करूंगा, यानी कि आपके तरफ पेन को या ग्लास को फेंकूंगा, तो आप क्या करेंगे, उस ग्लास को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, कैच करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक प्रोग्राम हुआ हुआ है, दिमाग जो है आपके आंखों ने देखा फिजिकल काम होते हुए, यानी कि कुछ सामान आपके तरफ आ रहा है, आपने वो देखा और दिमाग ने क्या कहा कि बचाओ, यानी कि दिमाग ने क्या करा, एक्चुएटर हाथों को, उस ग्लास को जो आपकी तरफ आ रहा था उसको आपके हाथों ने रोका है, तो उसको बोलेंगे एक्चुएटर भी बोलेंगे और सोलेनोइड भी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर या ऑटोमोबाइल गाड़ी के अंदर जो सेंसर्स और ईसीयू और सोलेनोइड जो यूज होते हैं वो इसी आधार पे काम करते हैं। सेंसर, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये ईसीयू को सिग्नल देता है। ईसीयू क्या काम करता है, ईसीयू डिसाइड करता है कि कब सोलेनोइड को, यानी कि कब एक्चुएटर को ऑन करें या ऑफ करें। मींस क्या है, ये ईसीयू क्या है, दिमाग है, और सोलेनोइड क्या है, एक्चुएटर हमारे हाथ है। तो ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके फिजिकल वर्क करता है, ये सेंसर फिजिकल सिग्नल लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। तो गाइस ये मेरा ईसीयू, सेंसर और सोलेनोइड का जो बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में मैंने आपके सामने के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि इसको इतने इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा कि सेंसर्स कैसे काम करते हैं, सेंसर का फेलियर होता है तो क्या क्या गाड़ी का बिहेवियर आता है, कौन कौन से एरर कोड आते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपको किस तरीके की नेक्स्ट वीडियो
चाहिए वो भी आप उसमें लिख के दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपको वो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, मेरी आने वाली BS6 की वीडियोस है, डेल्टा प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और बहुत सारे जो BS6 में सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सेंसर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि वो सेंसर्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे रिजनरेशन होता है, किस तरीके से गाड़ी DPF क्लीन होता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घर में सेफ रहिए, आराम से रहिए। जरूरत का सामान, कुछ भी जरूरत का सामान आपको लेना है तो आप खुद जाइए और सामान सेफ्टी के साथ आप आइए, और बाकी हैंड वॉश कीजिए प्रॉपर और अपने कपड़ों को भी चेंज कीजिए ताकि आप भी सेफ रहें, आपका घर भी सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब काश यहाँ करेंगे ना, यहाँ पे सेफ स्टॉप स्टॉप।